कोटा के नामता महल में पिछले 7 दिन से वन विभाग को छका रहा पैंथर आखिरकार देर रात को 11:40 पर रेस्क्यू कर लिया गया और वन विभाग के अधिकारी पिछले 14 घंटे से उसे रेस्क्यू करने के लिए प्रयासरत थे। इस पैंथर के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। वन विभाग के DFO जयराम पांडे ने बताया कि वन विभाग की टीम ने रात को पैंथर को सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू कर लिया और बाद में पैंथर को वन विभाग के लाडपुरा रेंज कार्यालय में शिफ्ट किया गया। इससे पहले दिन भर रणथंबोर से आई 2 सदस्यीय फ्लाइंग रैपिड रिस्पांस टीम ने मंडल वन और वन्यजीव विभाग मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ चर्चा कर पैंथर को रेस्क्यू करने की नई रणनीति बनाई। अधिकांश मूवमेंट रात में होता है, इससे रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही थी। पहले पैंथर के मादा होने और बच्चे साथ होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन रेस्क्यू के बाद जांच में पैंथर नर मिला। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कल नांता क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम व स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया। उन्होंने रेस्क्यू की तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने लोगों से सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से दी जा रही गाइडलाइन की पालना की अपील की।